बिल्कुल सरल और साधारण गीत है, बहुत अच्छा है, सुनिएगा। सुनिए तर्ज वही लेकिन थोड़ा मर्ज बदल ले रही हूँ, शायद आप लोगों ने ये तर्ज सुनी हो। संजय भैया जी सुनिए, भैया हमारे रामू यादव जी और भैया ओवेन यादव जी, आप दोनों की तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या, राजू भाई जी बढ़िया कलाकार हैं आप, लेकिन जवाबी के मंच पर ये पहली आपकी हमारी मुलाकात है। ढूंढना नहीं है, जो ऊपर नोट है वही निकाल दो। हाँ हाँ एटीएम निकाल दीजिए और क्या। धन्यवाद है, बस बस माता रानी आपका भंडार भरा रखे। हाँ धन्यवाद है, ये
नन्हे से बच्चे की तरफ से है, मेरी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है। भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ, अयोध्या भूमि पावन धाम, वहां मैया सरयू प्रवाहित हो रही है। मैया सरयू बह रही है और मैया सरयू के पास जैसे भगवान राम पहुंचे, सरयू मैया ने राम जी को देखा, भैया भानु प्रताप जी चौरासी कंदर आओ, आपकी तरफ से 111 पद मुद्राएं हैं, भैया को मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है। जय हो। हम तो नाम भूल जाएंगे, लिखते जाइए आप। भगवान राम को देखा तो मैया सरयू सोच रही है, सुनिएगा, जैसे चरण प्रभु के लखे तो मैया सरयू ने कहा, प्रभु प्रभु आज आपका दर्शन हुआ, ये सरयू कोई और नहीं है ना, ये सरयू का प्रादुर्भाव हुआ कहां से, जरा सुनिएगा, सुनिए। अरे वही तेरी अखियों से प्रेम अश्रु धारा, सुनिए, यहाँ एक से एक बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन है गीत को सुनेगा, सुनिए। वही तेरी आँखियों से प्रेम अश्रु धारा, एक बार संकसु नामक देव सारे वेदों को चुरा करके ले गया, सारे वेद जब चुरा करके ले गया पातालपुरी जाता है, भगवान मत्स्य का रूप धारण करके जाते हैं, उस शंखासुर का वध करके वेदों को वापस लेकर आए तो प्रसन्नता इतनी हुई कि खुशी के मारे उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा, और जैसे अश्रु बिंदु निकले तो ब्रह्मा जी ने वो अश्रु बिंदु, क्या बात है, काफी दिनों बाद दर्शन हो रहे भैया के, और क्या, ये बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे भाई मुकेश जी, बहुत बढ़िया कलाकार, मुकेश नाम के लोग कलाकार होते ही हैं। भैया हमारे मुकेश शर्मा जी और गुरु कृष्ण शर्मा जी, सोमाने नरेंद्र शर्मा जी, आप सभी की तरफ से 51 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है, स्वागत है। हमारे राहुल भैया बैठे हैं, जो भी पुरस्कार आप भाई लोग दे रहे हैं लिखवाते जाइए, क्योंकि गीत गीत में बीच में दिक्कत ना हो इसलिए पुरस्कार बाद में बोला जाएगा, लेकिन आप वहां लिखाते जरूर जाइए। सुनिए, वही अश्रु बिंदु ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिए, कुछ समय बाद मनु महाराज ने यज्ञ कराया, अयोध्या में पावन नदी नहीं है, नदी लाने के लिए जल लाना है यज्ञ के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी ने वही जल भैया जी मान सरोवर से मनु महाराज जब लेकर के आए, राजू भैया सुनिए गीत को सुनिए, सर यानी तीर के पीछे पीछे मैया सरयू आई, और जब सर के पीछे पीछे आई इसलिए उनका नाम पड़ गया सरयू, सुनिएगा गीत, सुनिए। अयोध्या में लाए मनु वही अश्रु धारा, धारा वही तो सरयू धारा, तो फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे, अब अटरिया पे नहीं कहां, जरा सुनिएगा, सुनिए। हमरी तराई पे मैया सरयू कह रही है, क्या हमरी तराई पे आए हो खिबई
का चरण छू जाए। दूसरी तरफ एक बार राम जी और पहुंचे। राजू भैया, अरे मागी नाओ नते बट आना कहे तुम्हार मरम में जाओ के बता नहीं रहा है क्यों, जब तक मैं आपके चरण नहीं धो लूंगा प्रभु नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवल तो एक बहाना है लेकिन असल बात क्या है गंगा मैया सोच रही, जरा सुनिएगा। राम जी के चरण जैसे केवट कटौते में पानी भर के लाया, गंगा जल भर के लाया, चरण धोने लगा तो वो गंगा मैया क्या करे, सुनिए। इन्हीं चरणों में पिया मेरा घर द्वार था। गंगा जी का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ, प्रभु के चरणों से। तो कह रही है क्या, एक का प्रादुर्भाव राजू भैया, एक का प्रादुर्भाव अश्रु बिंदु आंख से, दूसरा का प्रादुर्भाव चरण के नख से, सुनिएगा। सुनिए, इन्हीं चरणों में पिया मेरा घर द्वार था, इन्हीं चरणों में काशी और हरिद्वार था, लेकिन इन्हीं चरणों का इंतजार था। जब से आए हैं प्रभु तब से इंतजार ही कर रहे हैं। जय हो। इन्हीं चरणों का इंतजार था हमारी तराई पे, हमारी तराई पे आए न भूरैया तो गंगा मैया चरण छू जाए। अब आखिरी टुकड़ा और सुनेगा राजू भाई जी। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ जेल खाने में, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ जेल खाने में। और जैसे ही भैया जी, जैसे ही वसुदेव महाराज जी लेकर के जा रहे हैं भगवान कन्हैया को सर पे रखे चले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मैया यमुना जी को कैसे पार करें, कैसे कैसे मैया यमुना उफान पर आ गई। कन्हैया ने कहा यमुना रास्ता दे दे, बाबा घबरा रहे हैं। यमुना मैया बोली प्रभु ऐसे ही रास्ता दे दूं और क्या, क्यों क्यों, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, गोलोक धाम से जब से भेजा है तब से इंतजार कर रहे हैं और आप आए से ऊपर ही ऊपर निकले चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे ना। जैसे बाबा बीच मैया यमुना में पहुंचे तो बाबा डूबने लगे, जरा सुनिएगा। सुनिए, मैया यमुना जी कह रही है कन्हैया वो दिन याद करो, कौन कौन मधुबन में जाके तुमने किया बन बिहार था। एक मधुबन और है वो कौन सी जगह, वो बोले आपके आपके धाम गोलोक धाम में। मधुबन में जाके तुमने किया बन बिहार था, इसी जमुना के जल में किया जल बिहार था, तू ही गले का बनाहार था। हमारी तराई पे ऐसे नहीं जाने देंगे ना। तो फिर कन्हैया ने कहा कि यमुना जी जाने नहीं देंगी लगता है, तो उसी उसी सूप से भगवान कन्हैया ने अपना पैर नीचे की ओर किया। जय हो। और जैसे नीचे की ओर किया तो मैया यमुना कह रही है प्रभु प्रभु हमारी तराई पे आए हो कन्हैया, तो ये हमारी तराई पे आए हो कन्हैया, तो यमुना मैया चरण छू जाए।
खोलने जा रहे हैं, लेकिन उस संगम पे, उस संगम पे भैया जी प्रयागराज में भी लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग तो अपने पाप धुलने जाते हैं। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है कि वो तीनों नदियां कहती हैं, जब जब भी संत यहाँ आते हैं तो हम भी अपने पाप धो लेते हैं, क्योंकि संतों के चरणों को छूने से, भैया जी संतों के चरणों को छूने से नदियां भी अपने, गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया, सब अपने पाप धो लेती हैं। जय हो। लोग कहते हैं, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, विधाता विधाता एक ऐसी भाषा शैली हो गई, विधाता विधाता एक ऐसी भाषा शैली हो गई, कल तक था खाली पैकेट अब थैली हो गई, तन के गोरे मन के काले हो गए हैं लोग, लो। इसीलिए शायद कहते कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन एक पंक्ति मैं भी जोड़ती हूँ, भारत की भाषा, भैया जी भारत की दूषित भाषा शैली हो नहीं सकती, भारत की, भारत की भाषा शैली दूषित हो नहीं सकती, और प्रभु के पावन चरणों की पावन गंगा मैली हो नहीं सकती। गंगा मैया चरण धुलाए, और ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे सम्मानी प्रदीप भैया द्वारा आशीर्वाद हुआ है, हाथ घातिक बंधन है, अभिनंदन है। आइए मात्र अपनी तरफ से केवल कोशिश हो सकती है, सुना क्योंकि उसमें स्वयं चरण छू रहे हैं, इधर भगवान कन्हैया के मैया गंगा, इधर केवट। अब देखिए बहुत सुंदर बात आई है, बात आए। हाँ,
ये हमरी अटरिया पे अटरिया पे आचारे सवरिया देख देख नहीं कीजे देखी हो जा लेकिन आपकी लाइनें बहुत सुंदर आई है। अरे हमारी तरैया पे आए हो कन्हैया सुंदर बात आई और इधर केवट जी के लिए दिखाया लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपके लिए कि जिस समय आपने वो भी दर दिखाया लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि वृंदा को जल रूप में विष्णु जी ने इधर श्राप श्राप जब दे दिया तो तब गंदगी नदी हुई जो गंदगी नदी हुई और जब गंदगी नदी हुई वो गंगा तब क्या हुआ बनी वृंदा तो विष्णु को भी पत्थर बनना पड़ा और जब विष्णु को पत्थर बनना पड़ा तब क्या हुआ देखिए क्या वृंदा के विष्णु ने सत था दिगाया के वृंदा में उसे फिर जल था बनाया सालिक राम है आया तब और जब वैसे तो दुनिया जानती है कि सालिक राम लेकिन उस नदी जिसका नाम बता रहा हूं गंदगी नदी उसमें वो पत्थर पहुंचा वो सालिक राम पहुंचा तब क्या हुआ क्या हुआ तो हमारी दरिया अरे हमरी डगरिया आए हो भैया कंडर तो भैया के तो प्रेम पद पावे रे हमरी डगरिया आए हो भैया राम को भी आना पड़ा तो यहां पे उस पत्थर को भी क्यों आना पड़ा और ये हमारे सम्मानी भोला भैया ईसेपुर की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ है क्यों एक और बात दूसरी ओर सुने प्रलंबा का विष्णु ने देखिए
हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमें बहुत कम ज्ञान है, केवल हम कोशिश कर रहे हैं। आपने दिखाया इधर सरयू, स्वयं भगवान राम को दिखाया, उधर आपने कन्हैया को दिखाया, तो मैंने इधर दिखाया कि वो पत्थर उस नदी में गया और वहां भी जाना पड़ा और वहां भी तब कहा तो हम डगरिया आए हो कि भैया तो पंड तो भैया हाय हाय वो पत्थर और हमारे सभी का विद्वान विराजमान है। अब दूसरी बात आप सुने, लेकिन जो मैं पत्थर बता रहा हूं वो स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन आइए अब दूसरी बात, भागीरथ को स्वर्ग से धरती पुरुखों को भी तारा। लेकिन हुआ क्या, क्या? पापी कलयुग में बनी मां सहारा, पापी कलयुग में बनी मां सहारा। और ये हमारे बहुमूल आशीर्वाद, हमारे सम्मानी बड़े भैया द्वारा आशीर्वाद हो रहा है। हाथ काटे बंधन है, अभिनंदन है। अब हुआ क्या, हुआ क्या? लेकिन इस कलयुग की बात चल रही है। आया अरे भागीरथ है अपने, क्यों यही तो है, तो हमारी डगरिया में आई हो कि भैया तो गंगा मैया सबको यो के भावे रे डगरिया सब कोई